हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हमें भरपूर सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं। और ये व्लॉग थोड़ा सा इंट्रो टाइप होगा, इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आप जानना चाहते हो, आपके मन में इच्छा होगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं कहाँ पर काम करता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे थे कि मैं झाड़ू लगा रहा था, और झाड़ू क्यों लगा रहा था आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है अफरोज रब्बानी, मैं इंडिया यूपी से हूँ, मैं काम करता हूँ सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में मुझे काम करते करते 7 साल हो चुके हैं। शायद आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके आँखों में मैं चुभने लगूंगा और आप मुझे अच्छी तरीके से जान जाओगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी बात पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सऊदी अरब में आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं हूँ हाउस ड्राइवर, और ये हमारा घर है, मैं घर के अंदर ही शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको पूरे अंदर का नज़ारा भी दिखा सकता हूँ। तो ये लीजिए, आपके सामने पेश है। और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो पेड़ पौधे की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है हमारे घर में, और यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड़ लगाए गए हैं ताकि घर में हरियाली बनी रहे, ऑक्सीजन का माहौल हो। सऊदी अरब में वैसे भी पता है आप लोगों को कि ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छा कदम उठाई है, हर जगह ग्रीन आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए रियाद में ग्रीन सिटी नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें आपको तरह तरह के पेड़ दिखाई देंगे। और देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ लगाया गया है ऑलरेडी, ये बहुत पहले से बहुत पुराना है, और ये है यहाँ का सीक्रेट रूम जिसके अंदर बैठ के पार्टी वगैरह किया जाता है, तो इसके अंदर भी आपको हम दिखा देते हैं। प्यार बहुत हसीन था हमारा प्यार। तो जो लोग सऊदी अरब में काम करते होंगे उन्हें पता होगा कि हाउस ड्राइवर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। अभी तो मैंने एक ही चीज़ आपको दिखाया है, धीरे धीरे जैसे ही आप हमारे ब्लॉग देखते जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि कमेंट में भी भर देंगे कि मुझे वीज़ा दो बुला लो, तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ इसके लिए, आई एम सो सॉरी। और अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, थोड़ा सा हम ग्रो करेंगे तो फिर यहाँ से हम चले जाएंगे इंडिया में, जाके अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाएंगे। तो उम्मीद तो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा है, अब आप किस तरह से सपोर्ट करते हो ये आप लोगों के ऊपर है, वैसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, आपको नॉइज़ काफ़ी सारा हो सकता है आ रहा हो। आज का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी सऊदी के बारे में, मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउस ड्राइवर को क्या क्या काम रहता है वो भी दिखाने वाला हूँ, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं आप लोगों से, अब देखते हैं कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाय।